नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी एंड इंग्लिश में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन काफ़ी अहम होने वाला है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, भारत और किस देश ने 18 फरवरी 2022 को एक द्विपक्षीय व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन एंड विच कंट्री हैज साइंड ए बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट ऑन 18 फरवरी 2022? ऑप्शन वन संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन टू ओमान, ऑप्शन थ्री नेपाल, ऑप्शन फोर बांग्लादेश, ऑप्शन फाइव ईरान। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 18 फरवरी 2022 को एक द्विपक्षीय व्यापक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन एंड यूनाइटेड अरब अमीरात साइंड ए बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट ऑन 18 फरवरी 2022। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौती CEPA की घोषणा करते हुए पिछले 7 वर्षों का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। अनाउंसिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट द बिगेस्ट ट्रेड पैक्ट ऑफ द लास्ट 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन वन बांग्लादेश, ऑप्शन टू थाईलैंड, ऑप्शन थ्री वियतनाम, ऑप्शन फोर नेपाल, ऑप्शन फाइव दक्षिण अफ्रीका। तो इसका इंग्लिश में भी पढ़ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू डेवलप इंडियाज UPI प्लेटफॉर्म्स। तो इसका सही जवाब है नेपाल। इंपोर्टेंट फैक्ट्स, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल पहला देश है जो पड़ोसी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेशंस पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेपाल हैज द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट इंडियाज UPI सिस्टम विच विल प्ले ए पिवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ द नेबरिंग कंट्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हुआ है, वे किस समाचार पत्र से के राजनीतिक संपादक और राष्ट्रीय ब्यूरो थे? रिसेंटली रवीश तिवारी हैज बीन पास्ड अवे, ही वाज द नेशनल पॉलिटिकल एडिटर एंड चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ विच न्यूज़पेपर? ऑप्शन वन इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन टू द हिंदू, ऑप्शन थ्री हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन फोर टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन फाइव अमर उजाला। तो इसका सही जवाब है इंडियन एक्सप्रेस। इंपोर्टेंट फैक्ट्स, 19 फरवरी 2022 को रवीश तिवारी का निधन हो गया है, वे द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक और राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख थे। ऑन 19 फरवरी 2022 रवीश तिवारी हैज बीन पास्ड अवे, ही वाज नेशनल पॉलिटिकल एडिटर एंड चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ द हिंदू एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पूरे 7 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर बन गया है, जिसकी कुल संपत्ति टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के लगभग दोगुनी है? रिसेंटली हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फॉर ए होल ऑफ 7 लॉन्ग मिनट्स विद ए नेटवर्थ नियरली ट्वाइस दैट ऑफ टेस्ला फाउंडर एलन मस्क? ऑप्शन वन जैक पॉल, ऑप्शन टू मैक्स फॉक्स, ऑप्शन थ्री मार्क जकरबर्ग, ऑप्शन फोर जिमी डोनाल्डसन, ऑप्शन फाइव रयान काजिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन टू मैक्स फॉक्स। इंपोर्टेंट फैक्ट्स, यूट्यूबर मैक्स फॉक्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जिनकी कुल संपत्ति टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क से लगभग दोगुनी है, हालांकि 7 मिनट के लिए अवधि के लिए बन पाए। यूट्यूबर मैक्स फॉक्स बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन विद ए नेटवर्थ नियरली ट्वाइस दैट ऑफ टेस्ला फाउंडर एलन मस्क। एल्बर्ट
फॉर ए पीरियड ऑफ 7 लॉन्ग मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन 1 न्यू दिल्ली, ऑप्शन 2 बीजिंग, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 बर्लिन, ऑप्शन 5 मास्को। तो इसका सही जवाब है मुंबई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 19 फरवरी 2022 को मुंबई को आधिकारिक तौर पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र के लिए मेजबानी के रूप में चुना गया है, जो संभवतः 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान देश के लिए चुनाव और LA 2028 ओलंपिक खेलों के लिए खेल कार्यक्रम देख सकता है। ऑन 19 फरवरी 2022, मुंबई हैज बीन ऑफिशियली इलेक्टेड एज द होस्ट फॉर 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC सेशन, विच कुड पॉसिबली सी द इलेक्शन फॉर द होस्ट कंट्री फॉर द 2030 विंटर ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर LA 2028 ओलंपिक्स गेम्स। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों और अन्य कृषि सामग्री के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है? रिसेंटली हाउ मेनी किसान ड्रोन्स हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड अदर फार्म्स मटेरियल्स। ऑप्शन 1 200, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 100, ऑप्शन 3 300, ऑप्शन 4 400, ऑप्शन 5 600। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 100। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान ड्रोन्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड इन फार्म अक्रॉस कंट्री। ड्रोन का उपयोग कई क्षेत्रों में गेम चेंजर साबित होगा और किसान ड्रोन को एक नए युग की क्रांति करार दिया। द यूज ऑफ ड्रोन्स विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर इन मैनी सेक्टर्स एंड टर्म्ड किसान ड्रोन ए न्यू एज रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कितने भारतीय टीवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 जीता है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज वन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2022 इन इंडियन टीवी? ऑप्शन 1 एरिका फर्नांडिस, ऑप्शन 2 जैकलीन फर्नांडिस, ऑप्शन 3 प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन 4 दीपिका पादुकोण, ऑप्शन 5 ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 एरिका फर्नांडिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एरिका फर्नांडिस ने भारतीय टीवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। एरिका फर्नांडिस हैज वन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन इंडियन टीवी। आखिरी बार टेलीविजन शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी नजर आई अभिनेत्री प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने से रोमांचित हैं। द एक्ट्रेस हु वाज लास्ट सीन इन द टेलीविजन शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी इज थ्रिल्ड एज सी वाज अवार्डेड द प्रेस्टीज दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? इंडियन GDP इज लाइकली टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन थर्ड क्वार्टर ऑफ FY 2022 एज पर SBI? ऑप्शन 1 8.5, ऑप्शन 2 4.5, ऑप्शन 3 6.8, ऑप्शन 4 5.8, ऑप्शन 5 9.9। तो इसका सही जवाब है 5.8। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नवीनतम SBI शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वित्तीय वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में
5.8% दर की दर से बढ़ने की संभावना है। इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज लाइकली टू ग्रो एट 5.8% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनल्स ईयर 2022 एज पर लेटेस्ट SBI रिसर्च रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था 2021-22 की दूसरी तिमाही में महामारी से पहले के स्तरों में आगे निकल गई है। इंडियन इकोनॉमी की एक्सपेंडेड इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2011-22 टू ओवरटेक प्री पैंडेमिक लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 9, 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में फैसले में कितने लोगों को मौत की सजा दी गई है? ऑप्शन, हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन गिवन डेथ सेंटेंस इन द 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस वर्डिक्ट। ऑप्शन 1 58, ऑप्शन 2 29, ऑप्शन 3 31, ऑप्शन 4 38, ऑप्शन 5 42। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सॉरी इसका सही जवाब है 38। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक विशेष अदालत ने 18 फरवरी 2022 को 2008 के अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में कुल 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट सेंटेंसेस 38 आउट ऑफ द टोटल 49 कन्विक्ट टू डेथ इन द 2008 अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस ऑन फरवरी 18, 2022। बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। द रिमेनिंग 11 कन्विक्ट वर सेंटेंसेस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। रणजी ट्रॉफी 2022 के लीग चरण में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? हाउ मेनी टीम्स विल कम्पीट इन द लीग स्टेज ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022। ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 3 38, ऑप्शन 4 35, ऑप्शन 5 58, ऑप्शन 5 40। तो इसका सही जवाब है 38। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रणजी ट्रॉफी 2022 लीग चरण में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 38 टीमें शामिल होंगी। द रणजी ट्रॉफी 2022 लीग फेज विल कंपराइज 38 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन एंड यूनियन टेरिटरीज। लीग चरण में 57 मैच होंगे जो 16 फरवरी से 5 मार्च के बीच शॉर्ट विंडो में खेले जाएंगे। देयर विल बी 57 मैचेस इन द लीग फेज दैट विल बी प्लेड इन द शॉर्ट विंडो बिटवीन फरवरी 2016 एंड मार्च 5। टूर्नामेंट का नॉकआउट चरण IPL के बाद होगा। द नॉकआउट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड आफ्टर द IPL। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें 10 अहम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। गुड बाय दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।